और क्रेडिट कैसे किया जाता है उसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश रूल। कौन सा पढ़ेंगे? ब्रिटिश रूल। उसमें पहला अकाउंट है, फर्स्ट अकाउंट है पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? सेकेंड अकाउंट। थर्ड नॉमिनल अकाउंट। का क्या रूल है? बुक में पेज नंबर 28 पे ये पूरा दिया हुआ है और आपको मैंने नोट भी कराया है। ये पूरे पार्ट को आप रिवाइज करिए। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड गेम्स। क्या रूल है? क्या रूल है? सर डेबिट व्हाट रिसीवर। हाँ जी बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। हम तमाशा बना के रख दिया आप लोग। इतने अच्छे से आप लोगों को मैंने बोला था दो मिनट के अंदर पूरी चीज को रिवाइज करने के लिए। कान बढ़ो सब, कान बढ़ो, उठा बैठने लगाना शुरू करो। क्या देख रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का मेन मोटो, मेन ऑब्जेक्ट जो है ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना। ग्रॉस लॉस भी हो सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्ट है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना। और बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं फॉर्मेट के हर आइटम को, कौन सा आइटम कहां जाएगा। ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको नोट डाउन कराया है। ये पूरे फॉर्मेट को आप लोग याद कर लीजिए, अपने नोटबुक और इसके बाद स्टार्ट करिए, याद करिए आप लोग। चलिए बाहर बाहर। बिजनेस विद कैश की जनरल एंट्री क्या होगी स्टैंड अप?
सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी गुड, वेरी नाइस, बैठ जा। पूरी क्लास को समझा रहा हूं, आपका फ्यूचर इस पे टिका हुआ है और अकाउंट जो है कॉमर्स का बेस है। और आप लोग ध्यान से, आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? यस सर। आप ये क्लास चल रही है अकाउंट की, आप यहाँ पे म्यूजिक सुन रहे हैं? सर नया अपलोड आया सर। नया अपलोड आया, क्लासरूम के अंदर है, आप खड़ा जाइए, अकेट आउट होइए, जाकर नया अपलोड आ रहा है। आप खा रही है, कॉमर्स में इतनी अपॉर्चुनिटी है, आप सीए कर सकती हैं, सीएमए कर सकती हैं, सीएस कर सकती हैं। हम लोग अगर अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा भी सिंसियर रहेंगे, कितना अच्छा फ्यूचर बन सकता है। यहाँ क्लासरूम में बच्चे गाना सुन रहे हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, और रिएक्शन बच्चों का हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आपको किस तरीके से गाइड करें। आप लोग अगर चाहोगे तो कॉमर्स में बहुत ही सुंदर करियर है, सीए सीएमए सीएस ये कर सकते हैं, और अकाउंट कॉमर्स का बेस है तो अकाउंट को थोड़ा सा सीरियसली आप लोग पढ़ा करें। चलिए एक बार क्लास फिर से शुरू करते हैं। क्या कर रहे हैं आप, सुनिए ना मेरी बात। मोबाइल यूज कर रहा हूँ। अभी रुकिए ना, मोबाइल रखिए, मेरी बात सुनिए। आज क्लास में क्या हुआ? क्या हुआ? मैं चिंगम खाती, सर ने मुझे क्लास से बाहर निकाला। उन्होंने मेरे दोस्तों की भी इंसल्ट की और मेरी भी इंसल्ट की। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी क्लास में सबके सामने इंसल्ट? तो उनको बोलो पेरेंट्स को लेकर क्या है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे सर से बात करता हूँ। चलिए आपने ऐसा कैसे किया, नहीं चलेगा। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। आप हमारे बच्चों को डांटने के लिए आपके पास नहीं भेजा हुआ है हमने? वही तो बच्चा आपको फीस से मतलब होना चाहिए। आप हमारे बच्चों को समझाए नहीं, सिर्फ पढ़ाने का काम दिया। बच्चों का कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? एक दौर था जब अपने छात्रों को सुधारने के लिए एक शिक्षक उन्हें डांटता और मार भी देता था। तब छात्र अपनी गलती सुधारने का प्रयास करते थे। फिर एक दौर आया जब शिक्षक द्वारा डांटे जाने पर छात्र अपने माता पिता के पास शिकायत ले जाते, पर माता पिता भी बच्चे की गलती जानकर उसे सुधारने की कोशिश करते थे। और एक आज का वक्त है जब हाथ उठाना तो दूर, एक शिक्षक किसी छात्र को सुधारने के लिए समझा भी दे तो शायद माता पिता भी शिक्षक पर ही दोषारोपण कर उसे ही गुनहगार साबित कर दें।